हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग गुरु गोबिंद सिंह जी की ड्राइंग में शेडिंग स्टार्ट करने वाले। सो आउटलाइन हमने पिछले पार्ट में कर ली है। अगर आपने वो पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज, आज हम लोग शेडिंग का फर्स्ट पार्ट लेके आए। यहाँ पर टोटल फेस शेडिंग करेंगे और मैं आपको बताती रहूँगी कहाँ क्या पेंसिल यूज़ की। तो शुरू करते हैं। ओके, सो गाइज, हम लोग यहाँ पर चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं आई शेड करने के लिए और आईब्रो शेड करने के लिए। सो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ किया है और हाईलाइट्स के लिए टॉम्बोनॉक इरेजर। सो जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, आप वैसे ही कर सकते हो। बाकी वीडियो थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ गई मुझे, क्योंकि 1 घंटा 40 मिनट का टाइम अराउंड मुझे लग गया था कम्प्लीट फेस शेडिंग करने में। सो आप लोग समझ सकते हो। सो ऐसे करके हमने वर्क किया और जहाँ पर मैं जो भी शेड पेंसिल के यूज़ करूँगी, जो भी हाईलाइटिंग टूल यूज़ करूँगी, वो मैं आपको आगे बताती रहूंगी। यहाँ पर यूज़ की है HB पेंसिल, ब्लेंड कर लिया टिश्यू पेपर से और बाद में 2B पेंसिल और 3B पेंसिल का यूज़ करके हमने डार्क शेड्स दी और फिर नीडेड इरेजर की हेल्प से हाईलाइट दे दिए। तो यहाँ थोड़ा डार्क था तो इसलिए हमने 3B का भी यूज़ किया, जैसे कि आप देख सकते हो। और ब्लेंडिंग के लिए मैंने टिश्यू पेपर यूज़ किया। गाइज, अब आगे हमने यूज़ किया है फिर से HB पेंसिल का और 2B पेंसिल से एकदम हल्की हल्की हमने शेडिंग करनी है। आप लोग HB का भी यूज़ कर सकते हो। हाईलाइट्स के लिए जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं नॉक इरेजर और नीडेड इरेजर यूज़ कर रही हूँ। अब बाकी के गाइज फेस शेडिंग जब हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैंने HB पेंसिल का ही यूज़ किया है। डार्क स्पेसेस के लिए 2B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, फिर ब्लेंड कर रही हूँ और उसके बाद 3B पेंसिल का यूज़ किया। 3B से ज़्यादा डार्क शेड मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं, क्योंकि 3B से काम बन जाएगा, बस थोड़ा सा डार्क करके चला देना है और बाद में नीडेड इरेजर से हाईलाइट्स दे देनी है और जहाँ पर हल्की हल्की आपको दिखे कि डार्क एरिया से उसे कवर अप कर लेना है। गाइज, यहाँ पर भी सेम थिंग की है, चारकोल पेंसिल से आई और प्यूपल का ड्रॉ करूँगी और बाकी जो हम लोग आई शेडिंग करेंगे वहाँ मैं आपको आगे बताती रहूँगी। वैसे तो HB पेंसिल ही फॉर बेस लेयर यूज़ किया, तो आप लोग यही रख सकते हो कि हर बार बेस लेयर शेड करते टाइम HB यूज़ करना। गाइज, नाउ फिर से HB पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, टिश्यू पेपर की हेल्प से ब्लेंड किया है, फिर बाद में 2B पेंसिल, फिर 3B एज पर रिक्वायर्ड था क्योंकि थोड़ा सा डार्क था और उसके बाद नीडेड इरेजर से हाईलाइट्स, बस इतना ही था। गाइज, जैसे कि मैंने बोला बेस लेयर हमेशा HB से ही दे रहे, तो उसके बाद सेकंड लेयर जब आप दो तो हमेशा 2B से दो, क्योंकि थोड़ी सी डार्क होती है तो बोल के आप अच्छे से काम कर सकते हो और जितना हो सके लेयर बाय लेयर लेके जाना ड्राइंग को जितना आप कर सको। यहाँ पर मैं फिर से HB का यूज़ करी ताकि मैं लेयर बाय लेयर जा सकूँ, ताकि मुझे पता लगे कितना डार्क शेड और कितना लाइट शेड। अभी यूज़ कर रही हूँ 2B पेंसिल। वैसे यहाँ पर 3B भी यूज़ की थी, लेकिन वो एकदम लास्ट में की थी जब हमने साइड में भी शेडिंग कर ली थी, दूसरे साइड जो चीक की, ताकि फिर हमें डार्कनेस पता चल जाए। और अब ऊपर के साइड मैंने HB यूज़ की है काफ़ी लाइट करके। आप लोग HB पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है, लेकिन मैं नहीं कर रही कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। मैं बेसिकली वही शेड्स यूज़ कर रही हूँ जो हर एक के पास ईजिली अवेलेबल हो जाए। यहाँ पर फिर से हमने HB यूज़ किया, क्योंकि अभी हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना, लेयर वाइज लेयर जाना है। सो वो चीज़ को ध्यान में रख के कर रहे हैं। गाइज, ब्लेंडिंग को लेके एक इम्पॉर्टेंट टिप ये थी कि ब्लेंडिंग थोड़ा ईजिली करना, थोड़ा केयरफुली करना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। ब्लेंडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी यहाँ पर ड्राइंग को, क्योंकि जितना स्मूथ शेडिंग आएगी उतना बढ़िया लगेगा। तो ब्लेंड भी काफ़ी स्मूथली करना, वो चीज़ ध्यान में रखें। और फिर से हम लोग यूज़ कर रहे हैं HB पेंसिल फॉर द बेस लेयर, फिर इसको कम्प्लीटली ब्लेंड कर लेना है टिश्यू पेपर का यूज़ करके एंड
अब गाइज मैं यूज़ कर रही हूँ 2B पेंसिल, जो नोज़ की शेडो है और जो बाकी जगह थोड़ी डार्क एरियाज है वहाँ दिखाने के लिए। वैसे गाइज ये वाली जो जगह ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये क्रिएट करके आपकी ड्राइंग में, से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल काम करना है। मैंने यहाँ पर अराउंड 5-6 शेड्स दी होंगी 2B की, बार बार एक बार चला के फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार, और जब मैं शेड से सेटिस्फाइड हो गई थी कि अब ये प्रॉपरली आ गया तब उसके बाद मैंने 3B यूज़ की थी। सो आपको भी काफ़ी ज़्यादा केयरफुल यहाँ पर काम करना पड़ेगा। गाइस मैं फिर से 2B पेंसिल ही यूज़ कर रही हूँ। अब आता है एक मेन पार्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मतलब जो फेस में जो स्ट्रेचिंग आ रही है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। सो जितना हो सके यहाँ पर रियलिस्टिक काम करना है, नीडी इरेजर से हाइलाइट्स दे देनी है और नीचे की तरफ शेडो क्रिएट करनी ताकि सही लगे। अब गाइज आपको नीडी इरेजर से हल्का 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 मतलब शेडिंग ऑप्ट करनी है, इससे क्या जो स्किन में जो वाइट वाइट हल्के हल्के पोर्स दिख रहे छोटे छोटे वो भी दिखेंगे, तो हाइपर रियलिस्टिकनेस एक ड्राइंग में आएगी। सो ये आप हर जगह हल्का हल्का करके नीडी इरेजर से ऑप्ट कर सकते हो और ये आपको काफ़ी बड़े रिजल्ट्स देगा। सो गाइज अब ये सब करने के बाद मैंने फाइनली उसकी है 3B पेंसिल और ये हमारी लास्ट शेड्स में से होने वाली है। अब इसके बाद कुछ और शेड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर क्योंकि हमने कंप्लीट डार्क कर लिया है। और अब नोज़ की शेडिंग में है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे HB पेंसिल यूज़ की है। गाइज अब 2B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा रियलिस्टिकनेस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए नीचे से ऊपर लेके जाना स्ट्रोक्स को ताकि वो अच्छे से रियलिस्टिकनेस ला सके। पर मतलब ध्यान से काम करना पड़ेगा, पूरा केयरफुल काम, शेडोज़ भी है, टोन्स वेरिएशंस भी हैं और साथ ही साथ हाइलाइट्स भी है, बोल्ड भी, लाइट भी, तो वो सब देख के आपको काम करना पड़ेगा ड्राइंग को कम्प्लीटली। वैसे गाइज आप लोग देख सकते हो कि अभी तक जितना हमें नोज शेड किया और जितना फेस शेड किया काफ़ी बढ़िया इफेक्ट आया है एक, और अगर आप भी इसी तरह से पूरा फोकस्ड काम करेंगे तो ज़रूर अच्छा इफेक्ट्स आएगा। तब हम लोग गाइज हाईलाइट दे रहे हैं, आपको याद होगा कि हमने फोरहेड में अभी तक हाईलाइट नहीं दी थी, वो इसलिए क्योंकि नोज़ में करते टाइम वहाँ पर भी थोड़ी शेडिंग और होती, तो वो बार बार हाईलाइट्स देना थोड़ा मुश्किल हो जाता। एज़ पर मैंने बोला था कि रफ पेपर तो करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, बट इसे करने से आपका काम ज़्यादा आसान हो गया था। और गाइज आप देख सकते हो ड्राइंग ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है। सो आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं जल्दी ही लेकर आ जाऊँगी। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो अभी मैं बोल रही हूँ उसका लिंक कमेंट सेक्शन में है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और अगला पार्ट लाने में गाइज मुझे थोड़ी सी देरी हो सकती है क्योंकि आप लोग जानते हो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है और ड्राइंग करते हैं टाइम और थोड़ा बड़ा साइज़ भी है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही था, आपको अच्छी लगी होगी तो फटाफट से एक लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।